नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर में एक बदमाश के 10 सेकंड में बाइक चोरी करने का मामला सामने आया है। चोर ने मास्टर चाबी से बाइक का लॉक तोड़ा, डायरेक्ट कनेक्शन बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया। वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में बाइक चोरी की करतूत कैद हो गई। शिप्रापत थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि मुकुंदपुरा रोड भांकरोटा निवासी रामकिशोर जांगिर ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 12 जुलाई की दोपहर वो ऑफिस के काम से मानसरोवर स्थित गोरस भंडार गए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे गोरस भंडार के ऑफिस के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर सचिव से मिलने चले गए। पीछे से चोर बाइक के लॉक तोड़कर चोरी कर ले गया। करीब 1.25 घंटे बाद बाहर आकर बाइक संभालने पर चोरी का पता चला। ब्रिटेन की एक कंपनी ने सैटेलाइट को टक्कर देने वाला सोलर इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन बनाया है। कंपनी का कहना है कि PHASA-35 नाम का ये ड्रोन सैटेलाइट से बेहतर है और जल्द ही इसकी जगह ले लेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PHASA-35 ड्रोन का वजन पांडा के बराबर यानी सिर्फ 150 किलोग्राम है। वहीं एक सैटेलाइट का वजन हजारों किलोग्राम होता है। इसे बनाने की लागत भी सैटेलाइट बनाने की लागत की तुलना में काफी कम है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को ब्राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को 6 बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण केस में सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इस पर ब्रजभूषण ने कहा था कि वो कोर्ट में जरूर पेश होंगे, पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए। इससे पहले केस की सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी। मध्य प्रदेश में 1,842 करोड़ रुपए से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन्हें मंजूरी दी गई। लाडली बहन योजना के आवेदन की उम्र 23 से घटाकर 21 साल कर दी गई है। पहले ये 23 से 60 साल तक की थी। निवाड़ी में कृषि विभाग के 19 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नवगठित जिले निवाड़ी में कृषि विभाग के अंतर्गत 2 उप संचालक, परियोजना संचालक जैसे 19 पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये कार्यालय अभी तक टीकमगढ़ से संचालित हो रहे थे। उन्होंने बताया, 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के खातों में लैपटॉप की राशि डाली जाएगी। 23 अगस्त को स्कूटी की राशि बच्चों के खातों में डाली जाएगी। गृह मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में सड़क क्रांति के फैसले हुए हैं। मुरादाबाद के अजय और बांग्लादेश की जूली की लव स्टोरी नोएडा के सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर से कम रोचक नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पाकिस्तान से आई दुल्हन ATS के गिरफ्त में है और यहां दुल्हन की उंगली थाम बॉर्डर पार गया दुल्हा सरहद पार ससुराल में जा फंसा है। गर्लफ्रेंड के फरेब का शिकार हुआ अजय अब अपने वतन लौटने को छटपटा रहा है। वो घर वालों को कॉल करके कुछ रुपए भेजने की गुहार लगा रहा है ताकि किसी तरह वतन वापस आ सके। जिस प्रेमिका पर भरोसा करके वो उसके साथ बॉर्डर के उस पार जा पहुंचा, वो अब अपना रंग बदल चुकी है। अब मायके बांग्लादेश में बैठी ये बहू अपनी सास को व्हाट्सएप पर खूनी संदेश, प्रेमी अजय के खून से सने फोटो भेज रही है। अगर आपको युग चरण की न्यूज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।